नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक बार फिर पहुंच गए हैं आश्रम में, संतों के दरबार में पूजा पाठ के लिए। ये सिलसिला अब लंबे समय से चलता आ रहा है। आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है, जिसमें से विराट कोहली, रोहित शर्मा और KL राहुल जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया गया था और विराट कोहली इन छुट्टियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, आश्रम भी जा रहे हैं। अब विराट कोहली पहुंचे हैं ऋषिकेश में, दयानंद जी के दरबार में, दयानंद गिरी जी के आश्रम वो पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा पाठ की है, आशीर्वाद भी लिया है। विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका तीनों ही वहां पर गए थे, जहां पर आश्रम में वो मौजूद थे। कई देर उन्होंने आश्रम का दौरा भी किया। आपको बता दें कि ये दयानंद गिरी आश्रम इसलिए फेमस है क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु का आश्रम है। 2015 में आपको याद होगा नरेंद्र मोदी भी इस आश्रम में पहुंचे थे, जिसके बाद से ये आश्रम काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था और बड़ी बड़ी हस्तियां इस आश्रम में जाती हैं ऋषिकेश में। इसके अलावा विराट कोहली गंगा किनारे भी गए, शाम को संतों और तमाम पंडितों के साथ गंगा आरती में भी वो शामिल हुए और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो सीरीज शुरू हो रही है 4 टेस्ट मैचों की, उसके लिए भी कहीं ना कहीं उन्होंने दुआ मांगी भारत के अच्छे प्रदर्शन के लिए। विराट कोहली शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले विराट कोहली मथुरा और वृंदावन भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया था तमाम वहां पर कृष्ण जन्मभूमि पर जाकर, और विराट कोहली शानदार प्रदर्शन लगातार करते आ ही रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, क्रिकेट के मैदान पर समय बिता रहे हैं। आपको याद होगा विराट कोहली लंबे अरसे से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लगभग 3 साल से कोई शतक उनके बल्ले से नहीं आया था, लेकिन एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने T20 करियर का पहला शतक जड़ दिया था और उसके बाद ये सिलसिला वहां नहीं रुका। उसके बाद विराट कोहली लगातार शतकों पर शतक लगा रहे हैं, शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और अब दरकार यही होगी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी जो सीरीज खेली जाएगी उसमें भी विराट कोहली शानदार प्रदर्शन करें, क्योंकि अगर भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतना है या उससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत को जीतनी होगी, तभी हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच पाएगा और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की बात भी हम कर सकते हैं। फिलहाल ऋषिकेश में मौजूद हैं। 30 जनवरी को विराट कोहली पहुंचे थे वहां पर, 31 जनवरी शाम को आश्रम में भी वो एक पूजा होगी जिसमें हिस्सा लेंगे, यानी कि 2 दिन का ये विराट कोहली का पूरा टूर था फैमिली के साथ, जिसमें वो तमाम पूजा पाठ और गंगा आरती में भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, वो भी पूजा पाठ में ध्यान दे रहे हैं। KL राहुल, जिनकी शादी अभी 23 जनवरी को हुई थी, वो भी प्रैक्टिस में दोबारा लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि हर दिन तकरीबन 2 घंटे तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि पूरी टीम इंडिया ये चीज जानती है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चाहे पूजा पाठ हो, हमने देखा सूर्य कुमार यादव हो, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, तीनों ही टीम इंडिया के ये स्टार खिलाड़ी हैं जो पहुंचे थे महाबलेश्वर धाम, जो पहुंचे थे महाकालेश्वर धाम में, उज्जैन में, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी, आरती की थी, ऋषभ पंत के लिए भी वहां पर दुआ मांगी गई थी। तो मतलब पूरी टीम इंडिया छुट्टियों का इस्तेमाल कर रही है धार्मिक कार्यों में भी और बचे हुए टाइम में टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि ODI विश्व कप भी हमें खेलना है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस सीरीज की इंपॉर्टेंस भी बेहद ज्यादा है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमें खेलना है। विराट कोहली के बारे में आप क्या कहेंगे? विराट कोहली फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं, इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे हैं, सूर्य कुमार यादव, KL राहुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तमाम चीजों पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।